देखिए, दो दो प्रकरण में बोलना चाहता हूं। एक तो जो पूर्व मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सपा के आज पहले रो में बैठे हुए हैं, जिनके कानून व्यवस्था के समय उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी भैंसे ढूंढने पर निकल जाती थी, और वो पार्टी आज कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए तो हास्यास्पद होता है। दूसरा, जिन जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे थे आज, नेता विपक्ष, उन्होंने कल जिस प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस प्रकार की निंदनीय उन लोग ने हरकत करी, उसका फिर से उन्होंने मजाक कल उठाया और कहा कि अरे, हम लोगों के पास जो लिखा हुआ था उसको गोला बना के हम राज्यपाल तक की पहुंचा रहे थे। तो पहले तो आप चोरी करो, फिर सीना जोरी करो, और राज्यपाल को आपको आवेदन देना है तो तरीके बहुत हो सकते हैं। तो संविधान की जो रक्षा या उसका अपमान करता हो, वो पार्टी के लोग हम लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बताएं। जिस पार्टी के पूर्व में रहे हुए वरिष्ठ मंत्री उनकी भैंसे ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगे, वो हमें कानून व्यवस्था के बारे में बताएं, तो हास्यास्पद है। और अपना हिसाब अभी दे नहीं रहे 1825 दिन का। मैंने उस दिन भी इंगित किया था कि आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, और आज आप उसका जीता जाता उदाहरण लखनऊ में देख सकते हैं कि आईएएस जो 2007 बैच के थे उनकी 100 बरामद हुई है। कहीं ना कहीं सरकार की विश्वसनीयता पर एक सवाल या निशान खड़ा होता है। और अगर आप देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जैसे गोरखपुर जाते हैं, उनके जाने के एक दिन पहले गोरखपुर में कहीं ना कहीं कोई हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज समाप्त हो गया है। जिन लोगों ने दावा किया था कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी रात को घर से बहन बेटियां सुरक्षित बाजारों में या अन्य जगहों पर या अपने रिश्तेदारों के यहाँ आसानी से जा सकती हैं, आज घर की महिलाएं तक सुरक्षित नहीं हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश की जनता उत्तर प्रदेश को अपने निगाहों से देख रही है। 2009 में जरूर एक बड़े सबक के रूप में सिखाने का काम इस देश की जनता द्वारा करने का निर्णय लिया जाएगा, और इस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गूंगी भरी सरकार को वापस जाना होगा। सरकार ने रोजगार देने का वायदा किया था, भारत सरकार ने, और मोदी जी ने यह कहा था कि 100 दिन के अंदर ये सारे वायदे पूरे होंगे। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिल गई, योगी जी ने रोजगार दे दिया, नौकरी नहीं दी, लूटमार का रोजगार दे दिया, गौरक्षा के नाम पर लूटमार का रोजगार दे दिया। और देखिए, इस रोजगार में थोड़ी सी देर में काम करने से बहुत सा पैसा मिल जाता है और सम्मान भी मिलता है। एक गौरक्षक ने ऐसा किया है, भैंस रक्षक ने ऐसा किया है, बकरी रक्षक ने ऐसा किया है। आज जो बात यहाँ पर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कही, ये बात हम पिछले 20 बरस से कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट बंद कीजिए। सिर्फ गाय की नहीं, कोई भी हत्या नहीं होना चाहिए, इंसान की भी नहीं होना चाहिए। फ्रिज से गोश्त निकाल कर किसी बेगुनाह को मार देना, अगर ये मानवता है तो बहरहाल इसको भी सलाम करना पड़ेगा। सरकार को कुछ करना नहीं है। ये 19 तक ये सरकार केवल 3 तलाक, गाय गंगा, राम मंदिर, मथुरा, इसी मुद्दों को ये आपसे और प्रिंट मीडिया से कहते रहेंगे। करना कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ है भी नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं है कि क्या करेंगे। हमने तो हाउस में भी इस बात को कहा कि क्या आप करना चाहते हैं। जो शुरू में सरकार आई गरीबी मिटाने के नाम पर, सबके खुशहाली के नाम पर, सबका साथ सबका विकास के नाम पर, और जब चुन के आ गए
तो झाड़ू उठा लिए। उसके बाद दफ्तरों में दौड़ने लगे, उसके बाद जो पिछली सरकार ने काम किया वहां देखने दौड़ने लगे। तो इनका अपना कोई व्यू नहीं है, केवल ये जनता को जिस तरह से छल प्रपंच करके झूठे आश्वासन और झूठा वादा करके बहुमत पूर्ण बहुमत की सरकार में आए हैं। करना इनको कुछ नहीं है, इनको फिर वहीं आना है जहां हम लोग बैठे हैं।